नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग का जमाना खत्म हो गया है या नहीं, और अरे आप भी ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि अली एक्सप्रेस है क्या चीज। अली एक्सप्रेस एक चाइनीज ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां से आप चीप प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं और उन्हें फिर अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करके उन्हें सेल कर सकते हैं। अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, जिसमें आप कस्टमर्स की ऑर्डर्स को अली एक्सप्रेस सेलर्स को सेंड करते हैं और वो सेलर्स आपके कस्टमर्स के एड्रेस पर प्रोडक्ट को शिप करते हैं। एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग की पॉपुलैरिटी काफी सालों से है और थी, और काफी ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स ने इस बिजनेस मॉडल से काफी अच्छी अर्निंग की है। लेकिन अभी कुछ लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग अभी भी प्रॉफिटेबल है कि नहीं। पहले बात करते हैं कि क्यों लोगों के मन में सवाल आया और क्यों ऐसा लोग सोच रहे हैं। एक बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे कि कंपटीशन का इंक्रीज होना। बहुत सारे ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में एंटर कर रहे हैं और इस वजह से कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा हाई हो गया। इससे कुछ लोगों की अर्निंग और प्रॉफिट मार्जिन पर भी बुरा असर पड़ रहा है। दूसरी वजह है कि अली एक्सप्रेस के प्रोडक्ट प्राइसेस और शिपिंग कॉस्ट में इंक्रीज आ गया है। इससे प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है और कुछ प्रोडक्ट्स का प्राइस बहुत हाई हो गया है, जिससे कस्टमर्स को परचेज करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। लेकिन ये बात भी है कि अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग अभी भी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर आप अपनी स्ट्रेटजी को सही तरीके से डिजाइन करें। सही अगर आपको सही प्रोडक्ट कैटेगरी चूज करना आता है तो आप इस बिजनेस मॉडल से काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट और ऑनलाइन प्रेजेंस को भी ऑप्टिमाइज करना होगा। अगर आप अपनी वेबसाइट और ऑनलाइन प्रेजेंस को सही तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जैसे आप अपनी वेबसाइट पर हाई क्वालिटी इमेजेस और वीडियोस अपलोड करें, अट्रैक्टिव प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिखें और कस्टमर्स को डील्स और ऑफर्स प्रोवाइड करें ज्यादा से ज्यादा। इससे क्या होगा कि आपके कस्टमर्स के एक्सपीरियंस और सेटिस्फेक्शन लेवल को बूस्ट मिल सकता है। अगर आप अपनी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी को भी सही तरीके से डिजाइन करेंगे तो आपके अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग बिजनेस की ग्रोथ पर भी काफी अच्छा असर आ सकता है। आप सोशल मीडिया एड्स, सर्च एड्स, डिस्प्ले एड्स और एफिलिएट मार्केटिंग का भी यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि कस्टमर सर्विस। आपको कस्टमर सपोर्ट के लिए 24/7 अवेलेबल रहना होगा और उनके कंप्लेंट्स और इश्यूज को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना, ताकि आपका कस्टमर आपकी सर्विस आपके ब्रांड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबके साथ आप अपने अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं तो आपको अपनी वेबसाइट और क्वालिटी प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसा कि मैंने बताया, अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग में आपको एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना होगा। आपको अपने टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करना होगा और उनके नीड्स और इंटरेस्ट के बारे में रिसर्च करना होगा। इसके साथ ही आपको कॉम्पिटिशन एनालिसिस करना होगा और उनकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन को डिफाइन करना होगा। एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग के साथ साथ आपको वेबसाइट का डिजाइन और डेवलपमेंट भी ऑप्टिमाइज करना होगा। आपकी वेबसाइट यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए और इजी टू नेविगेशन होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट पर हाई क्वालिटी इमेजेस और वीडियो होनी चाहिए ताकि विजिटर्स को आपके प्रोडक्ट की एक क्लियर इमेज माइंड में बन सके और डिटेल इंफॉर्मेशन मिल सके उसके बारे में। जब वेबसाइट रेडी हो जाए तो आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी एक्टिव करना है और आपको अपने टारगेट ऑडियंस के साथ भी कनेक्ट करना है और उन्हें अपने ब्रांड के बारे में बताना होगा। आपको इन्फॉर्मेटिव और एंगेजिंग कंटेंट शेयर करना होगा, डील्स और ऑफर्स भी प्रोवाइड करनी होगी ताकि आपके ब्रांड के लिए लॉयल कस्टमर्स बन सकें। तो अब बात आती है कि क्या अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग अभी भी प्रॉफिटेबल है कि नहीं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज करनी होंगी, और आप अगर आप अपने बिजनेस को सही तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे तो आपके बिजनेस को सरवाइव करने में काफी ज्यादा मुश्किल आ सकती है। इसके अलावा अली एक्सप्रेस की पॉलिसीज और शिपिंग टाइम भी आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। अली एक्सप्रेस के साथ साथ आपको
सही सप्लायर्स का भी सिलेक्शन करना होगा ताकि आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स और टाइमली डिलीवर मिल सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं है। अगर आप अपने बिजनेस को सही तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे और सही सप्लायर्स को चूज करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, तो आप अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ये थी अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। उम्मीद आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपका कुछ भी इस फील्ड से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।